हेलो बच्चों, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, हम लोग क्लास 11th का मैथमेटिक्स का, ठीक है, सेट टू करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने सेट वन नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए, क्योंकि उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था। काफ़ी डिटेल में हम आपको समझाए हैं, अगर आप पहले नहीं भी पढ़े होंगे तो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप जैसे इंटर के बाद अगर जेई मेन वगैरह करेंगे, ठीक है, जेई मेन का एग्ज़ाम लिखेंगे या एडवांस वगैरह करेंगे ना, तो उसमें भी आपको ये काफ़ी सपोर्ट करेगा, तो उसके लिए भी आपको इसको देखना है। ठीक है, और अगर CBSE और ICSE सिलेबस से हैं तब भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे JCERT झारखंड के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे इसको हम लोग कंटिन्यू करते देखते हैं क्या क्या इसमें क्वेश्चन है। आइए तो क्वेश्चन देखिए, और जैसा कि हम आपको हमेशा बताते आए हैं कि करना क्या है, पहले आप वाला टेक्निक है, यानी पहले आप क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, और फर्स्ट ये करेंगे कि आपको खुद से ट्राई करना है। ठीक है, डू योर सेल्फ, और बिल्कुल आपसे बनेगा, आप पढ़े हुए हैं, कॉन्फिडेंट रहिए। ठीक है, तो पहले आप बनाइए वीडियो पॉज करके, और उसके बाद ना हो तो फिर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। ठीक है, नल सेट का एग्जाम्पल पूछ रहा है, यानी आपका कौन सा फाई आएगा। ठीक है, देखिए पहला क्या है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई टू। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, यही तो आपका फाई मिल गया, पहला ही ऑप्शन। ठीक है, सेट ऑफ इवन प्राइम, तो इवन प्राइम है, देखिए टू क्या है, टू आपका इवन प्राइम होता है। ठीक है, तो ये आपका फाई नहीं है। तीसरा वाला देखिएगा, इंटरसेक्शन निकालिएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, तो दोनों में क्या कॉमन है, तो फोर कॉमन है दिख रहा है, तो ये भी आपका फाई नहीं है, एम्प्टी नहीं है। ठीक है, एक्स नेचुरल नंबर है, एक्स प्लस फाइव इक्वल टू सिक्स, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन, और वन आपका नेचुरल नंबर है, तो यहाँ से वन मिलेगा, तो ये भी आपका फाइव नहीं है। ठीक है, तो आप काउंटर चेक कर सकते हैं। ऐसे MCQ में क्या होता है, जनरली इस तरह का क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन अगर करेक्ट है तो ऊपर वाला टिक करके आगे बढ़ जाइए। ठीक है, नीचे देखने का जरूरत नहीं है। ओके, चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू। देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, ठीक है, आपको सेट दिया हुआ है वन टू ये। ठीक है, NCERT का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप पॉज कीजिए और अपने से बना करके बताइए। ठीक है, आई होप आप लोग बना लिए होंगे। सही जवाब क्या है, देखिए ये जो 3 4 है ये तो इसका एलिमेंट है ना। ठीक है, सबसेट तो है नहीं, रॉन्ग। ठीक है, कौन सा गलत है आपको बताना था। अच्छा, गलत कौन है सो बताना है। अच्छा, एक मिनट। ठीक है, तो कौन सा गलत है, देखिए गलत यही है आपका, ये रॉन्ग है। ठीक है, इसलिए कि ये क्या है, नॉट ए सबसेट है ना, तो ये रॉन्ग हो गया। ये आपका इसका करेक्ट है, सही है। ठीक है, ये भी आपका सही है, सबसेट को दिखा रहा है, ये भी आपका सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। द गिवन सेट एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस 4 to 6 बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ द इंटरवल। ठीक है, कौन सा इंटरवल बनेगा, देखिए तो ये आपका है ओपन ना, ये ओपन बताता है, ये बताता है आपका क्लोज्ड। ठीक है, तो पहला ओपन है, बाद वाला क्लोज्ड है, ये वाला सही हो गया। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन, आप सिर्फ देख करके इसको कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग भी इसको इसी तरीके से कर रहे होंगे, करते जाइए। चलिए आगे कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर को देखा जाए। क्या बोलता है, गिवन द सेट A 1 3 5 इतना इतना। ठीक है, इसके लिए यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा बोलता है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट किसको कहते हैं, जिसमें ए का भी एलिमेंट आ जाए, बी का भी आ जाए, सी का भी आ जाए। ठीक है, तीनों का एलिमेंट आना चाहिए। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया है ना, और आप ढूंढिएगा कि तीनों का एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें तीनों का एलिमेंट मौजूद हो। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं, यही देखिए यही क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे देखिए, इसमें तो जैसे 8 है, तो 8 यहाँ नज़र नहीं आ रहा, ये नहीं होगा, ये तो होगा नहीं, ये ऑप्शन आपका कट गया है। इसमें सारा ही एलिमेंट नज़र आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, डी कट गया है, तो ये इसमें तो सारा आ गया ना, 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 सब कुछ आ गया, ये आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोगों का, 5 नंबर, ये यही है 5 नंबर ना। क्या है, बोलता है वेन डायग्राम देखिए, अब बताइए कि सेट ए क्या होगा। तो ये तो बहुत ईजी है, देखिए सेट ए तो दिख रहा है ना हम लोगों को, यही ना सेट ए है, ये जो पूरा सर्कल है ये आपका सेट ए है। ठीक है, तो सेट ए में क्या आ रहा है, 1 3 4 5 आ रहा है, ये आएगा। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है इसके बाद, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 क्या है बताइए। बोलता है कि इफ़ ए इज इक्वल टू
3, 5, 7, 9, 11 ठीक है, एंड बी इक्वल टू दिस वन, सी इक्वल टू दिस वन, तो ये आपको क्या निकालना है, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ए यूनियन डी पहले क्या आ जाएगा, देख लीजिए, ए यूनियन डी, ए और डी को मिला दीजिए, इसको इसको मिलाइए आपस में, तो 3, 5, 7, 9, 11 एक वन मिल जा रहा है ना, तो आ जा रहा है 1, 3, 5, 7, 9, 11 ठीक है, मिल गया। बी यूनियन सी मिलाइए, बी यूनियन सी, बी और सी को आपस में मैच कीजिए, क्या क्या आएगा देखिए, तो 7, 9, 11, 13 और 15 आ जा रहा है, ठीक है। फिर क्या बोलता है, दोनों का निकालना है इंटरसेक्शन ना, यानी ए यूनियन डी इंटरसेक्शन निकालना है बी यूनियन सी, यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, दोनों में कॉमन क्या है ढूंढ लीजिए। तो कुछ कॉमन दिख रहा है यहाँ पे हम लोगों को, कॉमन है एक 9 है और दूसरा 11 है, बस यही दो कॉमन है, ठीक है। 9, 7 भी है क्या, अच्छा 7 भी है, तो 7, 9, 11 ठीक है, यह करेक्ट है ना। एफ एक्स ये दिया हुआ है तो एफ जीरो निकालना है, तो बहुत ईजी हो गया, वेरी ईजी, ठीक है। कैसे बनाइएगा, x के जगह पे रख दीजिए 0, f0 निकल जाएगा, रख करके आप हमको बताइए कि क्या ऑप्शन आता है, ठीक है, जल्दी बताइएगा। हाँ, या आप हमको कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा किसका ऑप्शन कितना आता है, ठीक है, जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि हमको पता चले कि हाँ आप लोग भी अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। फिर हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बताइए, ठीक है। 8 नंबर कैसे बनेगा, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा 8 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, पढ़िए खुद से, ट्राई कीजिए, आसान क्वेश्चन है। क्या है यहाँ पे देखिए, बोलता है कि फंक्शन आपका ये दिया हुआ है, ठीक है, इसका डोमेन निकालना है। तो डोमेन कैसे निकालते हैं, ये कब डिफाइन होगा, जब x माइनस वन आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, यानी x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू वन, यानी वन पे क्लोज्ड इंटरवल होगा और इधर वो आपका इन्फिनिटी चला जाएगा, ठीक है। तो ये वाला आपका करेक्ट है। ए क्रॉस बी दिया हुआ है, तो बोलता है ए निकालिए। ए क्या होगा, ये हम लोगों का होगा सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। हाँ, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, जो सबसे पहला एलिमेंट है उसको आप बस चुन लीजिए, यही ए होगा, ठीक है। तो पहला एलिमेंट कौन है, -2, 0, 3 यही आपका ए है, ठीक है। ए देखिए 2, 3 है, बी 4, 5 है ना। तो बोलता है हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव, ठीक है। देखिए तो इसके पास में दो एलिमेंट है, इसके पास में भी दो एलिमेंट है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी में कितना हो जाएगा सबसेट, ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट हो जाएगा, 2 × 2, 4 एलिमेंट्स हो जाएगा, ठीक है। अगर 4 एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ सबसेट कितना होता है, तो 2 का पावर 4 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 16, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, आई होप इस तरीके से आप बना लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है इसके बाद, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, इधर है आपका 11। क्या है 11 नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है ये, ठीक है। ये ए व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, है ना, हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, ठीक है। देखिए क्या है यहाँ पे, आपको बोलता है कि एक मिनट में 360 रिवोल्यूशन है। एक मिनट का मतलब कितना हो गया, 60 सेकेंड, 60 सेकेंड में 360, तो एक सेकेंड में कितना हो जाएगा, 360 को 60 से भाग कर देंगे तो 6 आ जाएगा, तो 6 रिवोल्यूशन आ गया। हाँ, अब देखिए एक रिवोल्यूशन में कितना बनता है, 2π बनता है, तो 6 में कितना बनेगा, 6 × 2π, यानी कितना हो जाएगा, 6 × 2 = 12π हो जाएगा, ठीक है। 765 डिग्री का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखिए इसको ऐसे कर दीजिए, साइन 720 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं ना। देखिए ये सारा क्या है, क्वाड्रेंट प्रॉपर्टी, हम पहले भी आपको बताए थे, और ऐसा नहीं है कि 765 आपको कोई भी मान दे दे, ठीक है, आपको दे दे मान लो 210 डिग्री, या आपको दे दे साइन 135 डिग्री, ठीक है, या आपको बोल दे कितना, साइन 390 डिग्री, कुछ भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकाल लेंगे, तो इसका पूरा तरीका है, इसको पढ़ने के लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चल जाइएगा प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जब आप जाइएगा मेरा प्लेलिस्ट में, तो उसमें आपको ट्राइगो का मिलेगा, ट्रिगोनोमेट्री का प्लेलिस्ट, ठीक है, और उसमें आप जाके क्वाड्रेंट प्रॉपर्टी जरूर देखिए, बहुत मज़ेदार है, एक बार देखेंगे ज़िंदगी भर याद रहेगा, ठीक है। तो हम लोगों को समझ समझ के पढ़ना है, हाँ कैसे होता है ये, ठीक है। देखिए इसको इतना लिखिए, 720 क्या होता है, 720 होता है हम लोगों का 4π, ठीक है, प्लस 45। अब 4π प्लस 45 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो इसमें साइन पॉजिटिव होगा, साइन 45 के बराबर आएगा, यानी क्या होगा, 1/√2, ठीक है। तो इस तरीके से बनाना है, बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है।
चलिए आगे बढ़िए। इसके बाद नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए 13, 13 नंबर देखते हैं, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 13, ठीक है। क्या है, द वैल्यू साइन टेन 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो टेन 15 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, देखिए ऐसे लिख सकते हैं ना, टेन 45 माइनस 30, ठीक है। अच्छा ये क्या हो गया, टेन ए माइनस बी, तो टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए टेन 45 कितना होता है, 1 होता है, और टेन 30 कितना होता है, 1 बाई रूट थ्री, नीचे भी वही आएगा, 1 प्लस 1 इंटू 1 बाई रूट थ्री, ठीक है। चलिए यहाँ पे इंटू है, तो ऊपर में एलसीएम लेंगे तो रूट थ्री माइनस 1, नीचे में लेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट थ्री प्लस 1, ठीक है। इसको ऊपर नीचे आप रूट थ्री माइनस 1 से यानी कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा देखिए बताइए। तो ऊपर में आ गया रूट थ्री का स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2 रूट थ्री, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे में आ गया आपका ए प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर में हो गया 4 माइनस 2 रूट थ्री, नीचे में हो गया 2, 2 को कॉमन ले लीजिए, 2 माइनस रूट थ्री, ठीक है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, क्लियर है। आगे देखिए साइन 36 डिग्री कॉस 9 डिग्री, कॉस 36 डिग्री साइन 9 डिग्री कितना हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, साइन 36 प्लस 9 कितना हो जाएगा, साइन 45, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 बाई रूट टू, ठीक है, कितना आसान है देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ाइए, साइन एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई टू है और ये इसमें लाई करता है, कौन सा क्वाड्रेंट है ये, अगर आप देखिएगा तो पाई से 3 पाई बाई टू, यही है ना, पाई से 3 पाई बाई टू यानी आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो थर्ड में टेन का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और क्या हो जाएगा, पी बाई बी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका देखिएगा तो होता है पी बाई एच, है ना, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, क्लास टेंथ में पढ़े थे ना, एच का वैल्यू कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 और पी है 1, 1 का स्क्वायर 3, तो रूट 3 आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा पी हो जाएगा आपका 1 और नीचे हो जाएगा रूट 3, 1 बाई रूट 3, ठीक है। देखिए कितना जल्दी बन रहा है, देख रहे हैं इस तरीके से बनाएंगे तो आपको भी बनाने में मज़ा आएगा, ठीक है, समझ समझ के पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है इसके बाद, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा आ रहा है 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ठीक है, 16 नंबर ये है, क्या है, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन एक्स इक्वल टू रूट थ्री बाई टू, तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, ठीक है, यानी 0 से 2 पाई में फाइंड आउट करना है, तो रूट थ्री बाई टू कितना का होता है, एक्स अगर आप रखिएगा 60 डिग्री यानी पाई बाई थ्री, तो कितना आएगा, रूट थ्री बाई टू आएगा, ठीक है। तो साइन जो पॉजिटिव होता है वो कहाँ कहाँ होता है, साइन पॉजिटिव होता है आपका यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो हम आपको बताए थे कि अगर इसमें x है तो इसमें कितना होगा, पाई माइनस एक्स, ठीक है। तो देखिए इसमें है आपका पाई बाई थ्री, तो इसमें कितना हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाई थ्री, कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 2 पाई बाई थ्री, तो एक पाई बाई थ्री होगा, एक आपका 2 पाई बाई थ्री होगा, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस वन कैसे निकालेंगे, देखिए कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 बाई टू, यहाँ से कॉस एक्स क्या आ जाएगा आपका, 1 बाई रूट टू, ठीक है। 1 बाई रूट टू किसका वैल्यू होता है, कॉस पाई बाई फोर का, ठीक है। चलिए अब यहाँ से प्रॉपर्टी पढ़े हैं, क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू 2 एन पाई प्लस माइनस पाई बाई फोर, यही हो जाएगा, ठीक है ना, ये सब आप लोग पढ़े हुए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़िए, फिर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या है, 18 में आपको बोल रहा है, ये 18 है, ठीक है। कॉस एक्स इक्वल टू 3 बाई 5 है, क्वाड्रेंट देखिए 0 से पाई बाई 2 है, तो साइन एक्स बाई 2 क्या होगा, तो ये भी फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है ना, आधा कर देंगे तो कितना हो, 0 से पाई बाई 4 हो जाएगा, तो पॉजिटिव ही रहने वाला है साइन एक्स बाई 2। और वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए तो होता क्या है, होता है कॉस एक्स इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये होता है, ठीक है। तो कॉस एक्स का वैल्यू है 3 बाई 5 ना, इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 बाई 5, एलसीएम लेंगे तो 2 बाई 5 आएगा, 2 2 कैंसिल कर दीजिए, तो साइन एक्स बाई 2 क्या आ रहा है हम लोगों का, रूट 1 बाई 5, ठीक है। तो पॉजिटिव लेना है तो पॉजिटिव लेंगे, तो प्लस 1 बाई रूट 5 लेंगे, ठीक है, प्लस 1 बाई रूट 5, निगेटिव तो लेंगे नहीं, क्योंकि एक्स बाई 2 आपका क्या हो जाएगा, एक 0 से एक्स बाई 2 करेंगे तो पाई बाई 4 आ जाएगा ना,
यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होता है। चलिए नेक्स्ट है, साइन 3x/2 इक्वल टू 0 है, तो सॉल्यूशन क्या होगा? तो क्या होता है, 3x/2 को लिख दीजिए एन पाई, ठीक है। तो x कितना हो जाएगा, 2nπ/3 हो जाएगा, ठीक है। cos x इक्वल टू इतना है, तो cos 2x कितना होगा, ठीक है। तो cos 2x का फॉर्मूला हम जानते हैं ना, क्या होता है, 2cos²x-1, तो 2cos²x यानी 1/4 हो जाएगा, -1/2 का स्क्वायर, ठीक है, -1, तो ये हो गया 2, तो 1/2 -1 क्या आएगा, -1/2 आएगा, ठीक है। देख पा रहे हैं कितना जल्दी जल्दी बन रहा है क्वेश्चन, तो ऐसे ही बनाना है, सिर्फ फार्मूला बेस्ड है। फार्मूला आपको अगर अच्छे से याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर फार्मूला याद नहीं है तो आप मेरे चैनल पे चले जाइए, बहुत कुछ मिलेगा उसमें आपको, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ लीजिएगा, दिल खुश हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, इसका वैल्यू क्या होगा, आई का पावर 16, तो हम लोग को पता है ना, आई 4 1 होता है, अब 4 का कोई भी मल्टीपल लेंगे वो भी 1 होगा, ठीक है। द कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका कंजुगेट निकालना है, जेड क्या दिया है, 1/1 -i, क्या कीजिए, ऊपर भी 1+i से गुना कीजिए, नीचे भी 1+i से, ठीक है। ऊपर तो 1+i आ गया, नीचे a²-b², तो i² आपका -1 होता है, तो हम लोग 1+1 हो जाएगा, ठीक है, क्या आ गया, 1+i/2, ठीक है। तो यानी आ गया आपका 1/2 + i/2, ये जेड आया, तो इसका कंजुगेट यानी जेड बार क्या हो जाएगा, 1/2 - हो जाएगा i/2, ठीक है ना, यही होगा। चलिए i का पावर -35 को a+ में लिखना है, तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, नीचे लिखेंगे तो i का पावर 35 ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ओके। अच्छा इसको और अच्छा से करेंगे तो देखिए ऐसे, i का पावर 32 और i का पावर क्यूब, ठीक है। i का पावर 32 1 होता है, चूँकि 4 का मल्टीपल है, और i क्यूब कितना होता है, -i, ठीक है, चूँकि i² आपका क्या होता है, i² - 1 होता है, i 4 1 होता है, ठीक है ना। चलिए तो ये आ गया आपका -1/i, ऊपर नीचे i से गुना कर दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, -i/-i² - 1 यानी +i आ गया, ठीक है। इसको क्या लिख सकेंगे, 0+i, ये आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, a+i b में लिखना है, तो लिखिए यहीं पर कर दीजिए, 3 7 21 + 21 - -i, गुना करेंगे तो i² तो -1 तो -7, ठीक है, क्या आ जाएगा, 21 में 7 चला गया तो आपका आ गया कितना, आ जाएगा 14, और यहाँ पे दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो आ जाएगा 28 i, ये आ रहा है, ठीक है। तो देखिए कितना जल्दी जल्दी बन रहा है, सिर्फ आपको जोड़ना है, कुछ करना नहीं है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसके बाद, इसके बाद है नेक्स्ट हम लोगों का 25 नंबर, कैसे बनेगा 25, देखिए 25 क्या है, मॉडुलस निकालना है इसका भैया। मॉडुलस क्या होता है, सिंपली दोनों का स्क्वायर कर दीजिए तो -√3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, +1 का स्क्वायर 1, √4 का 2 आएगा, ठीक है, ओके। चलिए फिर यहाँ पे है इतना, तो x और y कितना होगा, तो यहाँ पे भी ऐसे ही कर दीजिए, 2+x, रियल को एक साथ लिखिए और iota यानी इमेजिनरी वाले को अलग कर दीजिए, तो इधर से इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो इक्वेट करेंगे तो 2+x क्या आ जाएगा, 3, और y का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1, यहाँ से इसको कंपेयर कीजिएगा iota तो -1, तो y -1 आ गया, यहाँ से x क्या आ जा रहा है, 3 - 2 1 यानी 1 - 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना है, 27 देख लेते हैं, 27 देखिए, ये है 27, हाँ 27 में इसका बोलता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कितना होगा, सिंपल होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा 1/ कर दीजिए, 1/-, सेम चीज़ को 1/ कर देंगे, हाँ तो ऊपर नीचे इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ऊपर तो 4+3i आ गया और नीचे आ जाएगा 4 का स्क्वायर और माइनस में 3i², ठीक है। अब आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1, इसको अप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा, 4+3i / 4+3 यानी क्या जा रहा है हम लोगों का, 4/, अच्छा 4 का स्क्वायर तो 16 हो गया ना, सॉरी यहाँ पे 16, ये 9 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 16+9, तो 4/25 + 3/25 iota,
देख पा रहे हैं कैसे बन रहा है क्वेश्चन, बहुत जल्दी जल्दी बन रहा है। ठीक है, आई होप आप लोग भी ऐसे ही बना रहे होंगे, बस मजा लीजिए क्वेश्चन का। अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, बनाइए इसको मजे से। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 28। चलिए 28 नंबर, ये है 28 हम लोगों का। 1 + i, ये पूरा 1 दिया हुआ है। ठीक है, बोलता है इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा m का, पहले इसको निकाल लीजिए। देखिए 1 + i / 1 - i, इसका वैल्यू क्या आएगा, ऊपर नीचे गुना करेंगे कंजुगेट से, तरीका यही है। ऊपर में आ जाएगा a + b² a² b² + 2ab, है ना, डिवाइडेड बाई a² + b का, तो आयोटा भी 1 होगा। यहाँ पे देखिए i² - 1 होता है, इसको डायरेक्ट यूज़ करना है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे -1 लिखे हैं, नीचे में प्लस कर दिए। ठीक है, तो ये तो कट गया, तो 2 i / 2 यानी सिर्फ आयोटा बच रहा है। ठीक है, तब आयोटा का पावर m हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आयोटा का पावर m बराबर 1। तो लीस्ट बोलता है सबसे छोटा वैल्यू, तो आपको पता है कि आयोटा का पावर 4 1 होता है, तो सबसे लीस्ट कौन हो गया, 4 हो गया। ठीक है, चलिए इनइक्वालिटी का क्वेश्चन देखिए, ये है आपका, तो बोलता है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन कीजिए 1 - 7 कर दीजिए, इधर कर दीजिए 6x - 2x। ठीक है, क्या आ जाएगा, -6 < आपका आ जाएगा 4x। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x > आ जाएगा -6/4, पॉजिटिव से डिवाइड किए हैं तो x क्या आ जा रहा है, x आ जा रहा है -3/2। ठीक है, x > -3/2 यही तो आ रहा है, 6x, अच्छा -4x है, कुछ मिस हुआ यहाँ पे, ये 4x है ना, -4x, इसको मिटाइए, ठीक कर लेते हैं इसको, कुछ मिस्टेक हुआ है यहाँ पे। चलिए तो क्या आ जाएगा बताइए, तो 6x - 4x इधर आएगा ना, तो 4x। ठीक है, तो इक्वल टू क्या हो गया, -6 < 2x। ठीक है, तो x क्या हो जाएगा, > -6/2 यानी x क्या आ गया, > -3, तो -3 से जाएगा ये इन्फिनिटी तक। ठीक है, यानी ये वाला ऑप्शन आपका सही है, क्लियर है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। 30 नंबर कैसे बनेगा बताइए, कोशिश कीजिए आप बनाने का, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे भी हम बनाए हैं ना, तो वैसे बनाइए, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ना नहीं है। ठीक है, एकदम कैसे भी आपको बना करके आना है। ठीक है, अब बिल्कुल बनेगा, घबराने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिए 30, द सोल्यूशन ऑफ इन इक्वेशन, इसका सोल्यूशन क्या आएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे दो पार्ट है, एक पार्ट है आपका -3 < 3 - 2x और दूसरा पार्ट है 3 - 2x < 9, दोनों को सोल्व कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हो जाएगा आपका -6 हो जाएगा > -2x। ठीक है, अगर माइनस को कैंसिल करेंगे, याद रखिएगा, तो साइन क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा x। ठीक है, साइन पलटेगा तो क्या हो जाएगा, > 3 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि आप माइनस से मल्टीप्लाई किए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों का हो जाएगा -2x < -6। ठीक है, फिर से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन पलट जाएगा, x हो जाएगा > 3। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये था मेरा -3 - 2x ना, तो ये -6 हुआ, -2x हो गया। ठीक है, हम लोग दोनों तरफ -2 से डिवाइड कर दिए, तो साइन मेरा चेंज कर गया। अच्छा, साइन चेंज नहीं किया यहाँ पे ना, साइन चेंज तो कर दीजिए, चलिए साइन चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा हमारा, अभी ग्रेटर देन था तो अब हो जाएगा मेरा > 2। ठीक है, x अभी ग्रेटर देन था तो क्या हो जाएगा, > 2। ठीक है, देखिए x > 3 है, यहाँ पे क्या है, x मेरा > 3 है। ठीक है ना, यहाँ भी साइन चेंज किए हैं, क्योंकि ये इधर आया तो आपका माइनस, ये +6 होगा, माफ़ कीजिएगा, तो x > -3। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं कि -3 > है और > 3 है, दोनों को मिला देने से यही होगा। ठीक है, तो इसका जो प्रॉपर्टी हम स्टेट 1 में बताए हैं, जाके अच्छा से देख लीजिएगा ना, कि दोनों तरफ क्या होता है, पॉजिटिव से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, निगेटिव से डिवाइड करने से साइन बदल जाता है, देखिए बदल रहे हैं ना हम साइन को, साइन चेंज कर रहा है, इसको ध्यान देना है। ठीक है, तो -3 से 3 यानी -3 पे आपका ओपन इंटरवल है और 3 पे आपका क्लोज इंटरवल है। ठीक है, 31 देखिए, x > 4 है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है -4 से x 4 तक होगा,
यानी दोनों पे ओपन इंटरवल, ठीक है। फिल इन दी ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को भरना है। देखिए ये भी क्या है, हम लोग माइनस है दोनों तरफ, तो माइनस सिक्स से डिवाइड करेंगे तो मेरा साइन पलट जाएगा, ऐसे था तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप दोनों तरफ माइनस सिक्स से डिवाइड करेंगे तब ना, जैसे माइनस सिक्स एक्स है, लेस देन माइनस एटीन है, दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, माइनस सिक्स से डिवाइड करेंगे, जैसे ही डिवाइड करेंगे निगेटिव से तो साइन बदल जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर एक्स बचेगा, इधर बचेगा थ्री, ठीक है, तो ग्रेटर देन हो जाएगा, हाँ ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर है 33 देखते हैं, ठीक है। 33 लिमिट का क्वेश्चन है, बहुत इजी है, लिमिट वैल्यू निकालना है, कुछ तो करना नहीं है, डाल दीजिए लिमिट का वैल्यू 1 माइनस 1 प्लस 1, एक्स के प्लेस पे 1 रख देंगे क्योंकि ये तो फाइनाइट और एग्जिस्ट कर रहा है फाइनाइटली, तो इसका वैल्यू 1 ही होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 0/0 फॉर्म है क्या, हाँ यहाँ पे 0/0 फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ऐसे बनाइए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, ऊपर में कुछ कॉमन है, कॉमन है बिल्कुल, एक्स स्क्वायर कॉमन है, क्या बचेगा एक्स माइनस 2, नीचे इसका फैक्टराइजेशन कर दीजिए तो क्या आएगा, एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3 आएगा, ठीक है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस 3। अब हम लोग वैल्यू डाल सकते हैं, 2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 3, यानी क्या आ रहा है माइनस 4 आ रहा है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को देखिए, इसको कैसे बनाते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 1 प्लस एक्स का पावर 5 है ना, यहाँ पे माइनस 1 है, नीचे भी हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है, 1 कैंसिल होगा तो यही बचेगा, लिख सकते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, 5 1 का पावर 5 माइनस 1, 1 का पावर कुछ भी रहेगा क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो 5 इंटू 1 5, देख पा रहे हैं। तो इस तरह का जो कैलकुलस या लिमिट वगैरह का क्वेश्चन है तो बहुत सिंपल होता है, ठीक है, ये एग्जाम में आपको छोड़ना नहीं है, पूरा बना करके आना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है इसके बाद हमारा 36, क्या है 36 नंबर, ये देखिए बोलता है इसका वैल्यू निकालिए, कैसे वैल्यू निकालिएगा, सिंपल है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ऐसे कर दीजिए साइन ए एक्स बाई ए एक्स, ये आपका 1 हो जाएगा फॉर्मूला से, ए एक्स से डिवाइड किए हैं तो मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, और नीचे भी वही, हाँ साइन बी एक्स है, नीचे बी एक्स दे दीजिए तो ये 1 हो जाएगा, तो बी एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, आपका अंडर ब्रैकेट वैल्यू 1 हो गया, ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी, तो वैल्यू क्या बचेगा ए बाई बी, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं, ये क्या है, ये है आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ एक्स इक्वल टू एफ 1 है, तो बोलता है ए और बी का क्या वैल्यू हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला देखिए, ये वाला तब एग्जिस्ट करेगा जब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होगा, बराबर होगा, पढ़े हैं, और ये एफ 1 के बराबर है, ठीक है। देखिए लेफ्ट हैंड कहाँ से आएगा, लेफ्ट हैंड के लिए यहाँ से आएगा, अगर हम लोग एक्स इक्वल टू 1 पे बात करें तो ये लेफ्ट हैंड देगा, और ये क्या देगा, ये देगा आपको राइट हैंड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड वैल्यू क्या आने वाला है, लेफ्ट हैंड वैल्यू आ जाएगा आपका 1 पुट कीजिएगा तो a प्लस बी, राइट हैंड क्या आ जाएगा 1 पुट करेंगे तो b माइनस a, और f1 कितना दिया हुआ है, f1 दिया हुआ है 4, तो मेरे पास में दो इक्वेशन हो गया, a प्लस बी एक 4 हो गया, और b माइनस a भी मेरे पास में 4 हो गया। अब दोनों को सोल्व कर दीजिए, ठीक है, a a कैंसिल तो 2b आपका आ जाएगा 4 जोड़ने से, तो b आ गया 2, अगर b 2 है तो a का वैल्यू क्या आएगा, a का वैल्यू ऊपर से सोल्व कीजिएगा तो b 2 है ना, b आ गया 2, ठीक है, तो a मेरा कितना हो जाएगा, a भी मेरा 2 होगा, बी टू बी बी टू बी सॉरी इधर 8 ना हो गया, 4 4, तो b हो गया 4, तो a कितना हो जाएगा, a 0 हो जाएगा, ठीक है, तो a 0 और b 4, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ध्यान से बनाइए, बहुत आसान क्वेश्चन होता है, ठीक है, सिर्फ आपको वैल्यू देखना है और काम करना है। चलिए आगे देखें, 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, 38 नंबर ये है उन लोगों का, वैल्यू निकालना, ये देखिए फंक्शन दिया है, इसका निकालता है डेरिवेटिव निकालना है x इक्वल टू 4 पे, क्या आ जाएगा डेरिवेटिव इसका, देखिए इसको गुना कर देते हैं सिंपली, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर गुना कीजिएगा तो माइनस 3x प्लस 2, ठीक है, तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा इसका 2x माइनस 3, डिफ्रेंशिएशन कर दिए, अब यहाँ पे आपको x के यहाँ पे 4 रखना है तो रख दीजिए, 2 इंटू 4 माइनस 3 यानी 8 माइनस 3 क्या आ जाएगा, ये आपका
फाइव आ रहा है, ठीक है। डेरिवेटिव इसका निकालना है, डेरिवेटिव, ठीक है। तो डेरिवेटिव क्या होगा साइन एक्स कॉस एक्स का, तो बहुत आसान है। कैसे होगा देखिए, आप इसको ऐसे कीजिए, इसको आप लिख दीजिए टू साइन एक्स कॉस एक्स, और टू से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ गया साइन टू एक्स बाई टू, है ना, टू साइन ए कॉस ए, साइन टू ए हो गया। ये हमारा एफ है, अब इसका हम एफ डैश करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन बाई टू साइन टू एक्स का क्या हो जाएगा, साइन टू एक्स का होता है आप अगर कीजिएगा तो कॉस टू एक्स, ठीक है, और साथ में टू भी आएगा तो टू टू आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा कॉस टू एक्स बचेगा, ठीक है। चलिए इसका बोलता है डेरिवेटिव निकालिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बताइए एक्स क्यूब का क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 27 है ना, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसका हो जाएगा 0, है ना, तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये कितना जल्दी जल्दी बन रहा है, यही आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो आई होप हमसे पहले आप लोग बनाए होंगे, इसी तरीके से बनाए होंगे, बहुत अच्छी बात है इसी तरीके से बनाए हैं तो, ठीक है। अच्छा देखिए जो सेट वन था ना उसमें बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन था, और वो देखिएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी है, तो सारा कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आप लोग सेट वन भी देख लीजिए, बहुत एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्प करेगा, ठीक है। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, देखिएगा मेरा प्ले लिस्ट में भरा हुआ है मैथमेटिक्स और साइंस, ठीक है, तो आपको बहुत कुछ है इसमें देखने के लिए, ठीक है, पढ़ने के लिए, हमेशा इसमें वीडियोस आते ही रहते हैं। लाइक कीजिए, पसंद आया तो इसको शेयर कीजिए, जितना शेयर करेंगे उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा, ठीक है। और कमेंट करके मुझको ज़रूर बताइएगा जो मैंने पूछा है, और आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।